हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आज इस इब्राहिम के टॉपिक पे बात करूंगी। इब्राहिम जो है वो उसकी क्या हद थी खुदावंद को प्यार करने की, क्योंकि हमें भी अपने ज़मीर को, अपने दिलों को टटोलना चाहिए कि हम किस हद तक, क्या है हमारी लिमिट खुदा को प्यार करने की। जो हमारा आसमानी बाप है, जिसने हमें अपने बेटे और बेटियां कहा है, उसको हम किस हद तक प्यार करते हैं। तो इसके लिए आज हम देखेंगे इब्राहिम को खुदा ने इतनी ब्लेसिंग क्यों दी और क्यों वो जो है इतना ब्लेस्ड हुआ कि वो जो है उसको खुदा ने इतनी बरकत दी। उसकी हद ये है कि जब उसको खुदा ने कहा कि तू अपना बेटा मेरे लिए कुर्बान कर, तो उसने दरेग नहीं किया। उसने जब खुदावंद ने उसे हुक्म दिया, तो उसको आखिरी उम्र में बढ़ापे में बेटा मिला और उसने अपने बेटे को अपने खुदावंद के लिए, अपने आसमानी बाप के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। उसने कोई इनकार नहीं किया कि नहीं नहीं मैं तो अबू ये नहीं कर सकता, इतनी बुढ़ापे में मुझे बेटा मिला है, वो भी मैं अभी कुर्बान कर दूं। और अपने बेटे को तो कांटा भी चुभ जाए, क्या हम ये दिल रखते हैं कि हम खुदावंद के लिए, अपने आसमानी बाप के लिए इतना बड़ा दिल रखें कि अपना बेटा उसके लिए कुर्बान कर दें। हमारे तो बेटों को कांटा चुभ जाता है या बीमार हो जाते हैं तो हम कहते हैं ओहो नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हुआ है हमारे साथ, ये खुदा ने बेइंसाफी की है हमारे साथ। लेकिन इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा को भी नहीं बताया। अगर हम बाइबल को गौर से पढ़ें तो पता चलता है कि सारा को भी नहीं बताया उसने, क्योंकि उसको पता था वो माँ है, वो कभी भी मुझे ये नहीं करने देगी। उसने जब अपने बेटे को लेके और लकड़ियाँ और तेल लेके जा रहा था, उस वक़्त उसने अपनी